आज हम हिस्टेरोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे पेशेंट्स में करते हैं। तो पहले तो कब करते हैं, मतलब कौन से टाइम में हम लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं। तो इनिशियल जो पीरियड का 6 to 10 days का जो पीरियड का टाइम है, तब हम लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी एडवाइस करते हैं। क्यों करते हैं? हिस्टेरोस्कोपी से हमें यूट्रस की जो अंदर की कैविटी है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसका लुक कैसा है, उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस है, उसमें कोई पॉलिप है, उसमें जो बच्चेदानी का मुख होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, जो फेलोपियन ट्यूब का इंटरनल ओपनिंग होता है उसको ओस्टिया बोलते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें हिस्टेरोस्कोपी से पता चलती है। हिस्टेरोस्कोपी में हम वजाइनली थ्रू सर्विक्स एक बारीक हिस्टेरोस्कोप डाल के पूरा यूट्राइन कैविटी एग्जामिन करते हैं, और साथ में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करते हैं ताकि एंडोमेट्रियम में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके बारे में हमें पता चल जाए, और ट्यूब रिलेटेड कोई इश्यू हो जैसे ओस्टिया ब्लॉक हो तो कॉर्नुअल कैथेटर करके हम उसको ओपन कर सकते हैं, कोई पॉलिप हो तो उसकी साथ में सर्जरी भी कर सकते हैं। सपोज ऐसा भी होता है काफी बार यूट्रस की जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियल की जो लेयर होती है, वो एक दूसरे के जाले की तरह चिपक जाती है, ऐसे केस में हम उसको एडेशंस बोलते हैं, तो उसको भी हम हिस्टेरोस्कोपी से डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और उसको एट ए टाइम अगर ऑपरेशन से जिसको हम हिस्टेरोस्कोपिक एडिजोलाइसिस बोलते हैं वो भी सर्जरी साथ में कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें हिस्टेरोस्कोपी करके हम काफी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी साथ में कर सकते हैं। जो चीजें हमें काफी बार सोनोग्राफी से पता नहीं चलती वो हमें हिस्टेरोस्कोपी से पता चलती है, जैसे कि पॉलिप है, एडिशंस है, एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन है, ओस्टियल पॉलिप है, ये सब चीजों की माहिती हमें हिस्टेरोस्कोपी से मिलती है। एडवाइस करते हैं लेप्रोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी दोनों सिक्के की दो बाजू की तरह है। जैसे हिस्टेरोस्कोपी बच्चेदानी को अंदर से चेक करता है, ऐसे ही लेप्रोस्कोपी युग में हम पेट के अंदर अम्बिलिकस के पास एक इंसिजन रख के दूरबीन डाल के यूट्रस का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ओवेरियन ट्यूब, ओवेरियन रिलेशन, ये सब चीजों के बारे में माहिती मिलती है। काफी बार एंडोमेट्रियोसिस जो इनफर्टिलिटी का एक मेन रीजन है उसकी जांच हम फक्त लेप्रोस्कोपी से ही कर पाते हैं, तो ये सब चीजों की जानकारी हमें सोनोग्राफी से नहीं मिलती है। काफी बार अंडादानी चिपक गई होती है, फेलोपियन ट्यूब बहुत डायलेट हो जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फुल स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है, तो काफी बार नली तो खुली है बट उसका लुक नॉर्मल नहीं होता, तो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है प्रेगनेंसी होने में तकलीफ होती है, तो ये सब चीजों की माहिती हमें लेप्रोस्कोपी की मदद से मिलती है। तो जो भी इनफर्टाइल कपल है उसको सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो आईयूआई के लिए जा रहे हैं, या उनको सोनोग्राफी में जैसे कोई चॉकलेट सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, या फिर उनकी हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी की रिपोर्ट में ऐसा बताते हैं कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ऐसी काफी सारी सिचुएशन है जिसमें हम लेप्रोस्कोपी से माहिती ले सकते हैं। जनरली लेप्रोस्कोपी वन टाइम करते हैं कि जिससे उसके बाद मोस्टली ट्रीटमेंट हो ही जाता है। काफी बार किसी किसी को सेकंड टाइम लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। काफी बार जैसे मैंने बताया कि बच्चेदानी के अंदर जैसे जाले बच जाते हैं, ऐसे ही जाले बाहर के साइड में भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से या एंडोमेट्रोसिस की वजह से, और उसकी वजह से भी काफी बार प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है। तो दर्शक मित्रों, लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी से हम ये सब चीजों में अच्छी जानकारी ले सकते हैं और हमें इसके बारे में आगे ट्रीटमेंट प्लान बनाने में समझ में आता है। तो जो कपल है जिसको 2-3 साल शादी को हो गया है, सिंपल ट्रीटमेंट जैसे ओविलेशन इंडक्शन हो गया है, एचएसजी हो गया है, सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, और वो आईयूआई का प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीजों में अगर पहले हम लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी करके चेक कर लेते हैं तो रिजल्ट मिलने की संभावना नेचुरली और ट्रीटमेंट से काफी बढ़ जाती है।